17 is teaching to provide guidance. Teaching is to guide the pupils to learn the right things in the right manner and at the right time. सो टीचिंग क्या करता है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है पीपल्स को कि वो कोई भी काम सही समय पर करें, ठीक है, सही चीज़ करें और सही मैनर में करें. टीचिंग इज़ टू गाइड द स्टूडेंट्स टू डू थिंग्स इन सच अ वे सो दैट टाइम मटेरियल एंड एनर्जी आर नॉट वेस्टेड. ठीक है, इन तीनों में से चीज़ों का कोई किसी भी का भी वेस्ट नहीं होना चाहिए. टीचिंग ऐसी होनी चाहिए. तो ये गाइडेंस प्रोवाइड करती है पीपल्स को. 18 टीचिंग इज़ बोथ अ कॉन्सियस एंड अनकॉन्सियस प्रोसेस. टीचिंग क्या है, दोनों ही है, कॉन्सियस और अनकॉन्सियस प्रोसेस. हम कभी जान के और बिना जाने लर्निंग करते रहते हैं, ठीक है, टीचिंग होती रहती है. सो टीचिंग इज़ बोथ अ कॉन्सियस एंड अनकॉन्सियस प्रोसेस एंड द मोस्ट इफेक्टिव पार्ट ऑफ इट इज़ जनरली द पार्ट ऑफ विच वी आर अनकॉन्सियस. द पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर एंड द टॉट हैव अ ग्रेट बियरिंग ऑन द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड. 19 टीचिंग इज फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल. फॉर्मल टीचिंग इज डेलिबरेटली प्लान्ड, सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज एंड इज ऑलवेज परपसिव. जो फॉर्मल टीचिंग होती है उस वो एक प्लान होती है, सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज होती है और हमेशा परपसिव होती है, ठीक है. सो बट स्कूल इज नॉट द ओनली एजेंसी ऑफ टीचिंग. तो जो स्कूल है वही अकेली एजेंसी नहीं है टीचिंग की. Informal teaching take place outside the school. It is carried on by the parents, brothers, sister at home, playmates, student community, outside the classroom, etc. The few hours of the school are insufficient for the full development of the child. So formal and informal teaching must be incorporated if good results are to be achieved. School should supplement, not supplant, the training imparted by the home and vice versa. Teaching is a means of preparation. Through preparation of for future is not the only aspect of teaching, yet it is an important aspect. Teaching is to help the immature child to develop physically, intellectually, emotionally and spiritually to participate effectively in the life of the community. 21 Teaching is a skilled occupation. Every successful teacher is expected to know the general methods of teaching and instruction in creating suitable learning situations. He is also expected to be familiar with the general objectives of the education. तो एक जो भी सक्सेसफुल टीचर होता है उसे ये पता होना चाहिए जनरल मेथड ऑफ टीचिंग का, ठीक है, कि पढ़ाने का एक सही जनरल तरीका क्या है, मेथड क्या है ये. उसको इंस्ट्रक्शन सारी पता होनी चाहिए एक किसी लर्निंग सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए, ठीक है, और जो उसके जनरल ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन के उसको पूरा करने के लिए. 22 टीचिंग इज़ बोथ आर्ट एंड साइंस. आर्ट इम्प्लाइज द इंटेलिजेंट एक्शन ऑफ ए ह्यूमन बीइंग थ्रू विच इट इज़ पॉसिबल टू मॉडिफाई एन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इवेंट्स. टीचिंग इज़ एन आर्ट एज इट कॉल्स फॉर एक्सरसाइज ऑफ टैलेंट एंड क्रिएटिविटी. टीचिंग एज अ साइंस इन्वॉल्व्स अ रेपर्टोरी ऑफ टेक्निक्स, प्रोड्यूसर्स एंड स्किल्स दैट कैन बी सिस्टमेटिकली स्टडीड, described and improved. So this is all about characteristics of nature of teaching.